नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर है आपका अपना दोस्त आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों, हर दिन की तरह हमने आप लोगों के लिए एक बेहतरीन स्टॉक का चुनाव किया हुआ है। रियल इस्टेट से संबंधित कंपनी है। अगर मैं बात करूं DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ओबेरॉय रियल्टी, फोनिक्स मिल, तो दोस्तों ऐसी कंपनियां हैं, उसी से संबंधित कंपनी है। तो सबसे पहले मैं आपको कंपनी का नाम बताना चाहूँगा। आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है DB रियल्टी लिमिटेड। तो दोस्तों, आज वॉल्यूम के साथ इस स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में DB रियल्टी के अंदर एक ज़बरदस्त मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको IIFL का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप अकाउंट खोल सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप के भी लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जा करके आप फ्री आपका ज्वाइन कर सकते हैं सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो दोस्तों, आज के कुछ दिन पहले मैंने DB फिनटेक के बारे में डिस्कस किया हुआ था, पॉलिसी बाजार जिसको हम बोलते हैं। आप देख सकते हैं आज 800 प्लस का हाई लगाता हुआ दिखा, बेहतरीन यहाँ पे मोमेंटम आता हुआ दोस्तों दिखा। तो दोस्तों, ऐसे ही DB रियल्टी के हम टेक्निकल पैरामीटर्स को जानेंगे, फंडामेंटल को जानेंगे, चार्ट पे भी लेके चलेंगे, सारी चीज़ों को एक एक करके जूम आउट करके दिखाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तो ही आपके समझ में आएगा कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए, सबसे संक्षिप्त में पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। कंपनी की स्थापना सन 2007 में हुई थी। मुख्य रूप से इनका जो व्यवसाय है रियल इस्टेट से संबंधित है दोस्तों, और ये इनका जो भी व्यवसाय है वो मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में बिखरा हुआ है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कंपनी 2010 की मैं बात कर रहा हूँ, मिल रहा था 475 रुपये का हाई लगाया। उसके बाद 2020 में इस कंपनी ने 3.65 रुपये का लो लगा दिया। तो दोस्तों, अगर मैं 52 वीक की हाई लो की बात करूं तो 139 रुपये का हाई है और 52 रुपये का लो है। तो अभी इस स्टॉक के अंदर एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी एक बेहतरीन मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अभी मैं इनका स्टडी कर रहा था, इनके जो फंडामेंटल्स हैं उसके ऊपर मैं नज़र डाल रहा था, तो मुझे इनके जो सेल्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर मैं मार्च 2021 की बात करूँ तो 25 करोड़ का सेल्स हुआ करता था, वहीं मार्च 2022 में बढ़ करके 219 करोड़ का हो गया, मार्च 2023 में बढ़ करके ज़बरदस्त जंप आया, 698 करोड़ का सेल्स का जंप आता हुआ दिखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में स्टॉक के अंदर एक बेहतरीन मोमेंटम देखा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले DB रियल्टी के टेक्निकल पैरामीटर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले बारी आती है सपोर्ट और असिस्टेंट के बारे में जानने की। तो अगर मैं फर्स्ट असिस्टेंट की बात करूं 87.44 का है, सेकंड असिस्टेंट की बात करूं 89.07 का है, थर्ड असिस्टेंट की बात करें 90.64 का है। तो आप यहां पे देखेंगे दोस्तों, सभी असिस्टेंट को ब्रेक करके DB रियल्टी ने 98 के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। लगभग आप देखेंगे तो 18% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली ओवरऑल, और 14% की तेज़ी पे स्टॉक ने क्लोजिंग दिया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में स्टॉक के अंदर और भी मोमेंटम देखा जा सकता है। तो अब हम इसके सपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट सपोर्ट की बात करूं 84.24 का है, सेकंड सपोर्ट की बात करूं 82.67 का है, और थर्ड सपोर्ट की बात करें 81.04 का है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सिंपल मूविंग एवरेज को देख लेंगे। तो आप यहां पे देख पाएंगे दोस्तों, 5 डेज, 10 डेज, 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज, 200 डेज के जो सिंपल मूविंग एवरेज हैं वो यहाँ पे बुलिश देखने को मिल रहे हैं। तो एक अच्छा साइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक नज़र फंडामेंटल के ऊपर डालेंगे। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, 3001 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, पी रेशियो 0.00 का है, डिविडेंड यील्ड 0.00, कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, बुक वैल्यू की बात करूँ 60.69 का है, फेस वैल्यू 10 का है, प्राइस बुक रेशियो 1.40 का है, ROCE की बात करें -1.99% का है, ROE की बात करें 1.53% का है। तो अभी यहाँ पे फंडामेंटल इसके ठीक ठाक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे कंपनी ने अपने इन्वेस्टरों को रिटर्न कैसा दिया हुआ है। तो आप देखेंगे दोस्तों, अगर 1 वीक की बात करूँ 15% की तेज़ी, 1 महीने में 25% की तेज़ी, 3 महीनों की बात करें 17% की तेज़ी, और अगर वहीं पर 6 महीनों की बात करें तो 39% की तेज़ी, 9 महीनों में -1.31% का निगेटिव रिटर्न है, बीते 1 सालों में आप देखेंगे तो लगभग 69% का पॉजिटिव रिटर्न है, 2 सालों की बात करें 311% का पॉजिटिव रिटर्न है, और 3 सालों की बात करें 1242% का पॉजिटिव रिटर्न है, 4 सालों में 1164% का पॉजिटिव रिटर्न है, और अगर 5 सालों की बात करें तो 193% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नज़र डालते हैं। अगर यहाँ पर आप प्रमोटर की होल्डिंग की बात करते हैं तो 60.66% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है प्रमोटरों ने। DII की बात करें
0.05% की होल्डिंग है, FII की बात करें 2.11% की होल्डिंग है, पब्लिक इन्वेस्टर के पास 37.17% की होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको सीधे चार्ट के ऊपर लेके चलते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों मेरी वेबसाइट भी है www.bigmoneyreward.com, आप जाके विजिट कर सकते हैं, सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने एरो का मार्क किया हुआ है रेड कलर में, तो ये वॉल्यूम आप देख रहे होंगे एक ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसके लेवल्स को नोट डाउन कीजिए। अगर ये स्टॉक आपको 95 से 98 की रेंज मिले तो आप इस स्टॉक के अंदर बाइंग कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 70 रुपये का, और जो पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 120 का, 122 के ऊपर सस्टेन करता है तो 135 का टारगेट, अगर 137 के ऊपर सस्टेन करता है तो 150 तक के टारगेट आने वाले 1 से 3 महीनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अगर वहीं पे आप अगर 6 से 1 सालों का नजरिया रखते हैं तो फिर ये स्टॉक आपको 200 के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई देगा, 100% रिटर्न यहाँ से मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी दिख रही है, बैक टू बैक अपर सर्किट लगने की संभावना दिख रही है। तो दोस्तों हम आपको चार्ट आपको दिखाते हैं जूम आउट करके, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों एक ज़बरदस्त मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। काफ़ी दिनों से स्टॉक एक ही रेंज में घूम रहा है, अभी इस स्टॉक के अंदर एक बाउंस बैक आता हुआ दिख रहा है, तो मुझे उम्मीद है इस स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में एक बम्पर तेज़ी देखने को मिल सकती है। दोस्तों अगर मैं यहीं पर वीकली चार्ट आपको दिखाऊँ तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों एक शॉर्प रिकवरी होते हुए दिख रही है, तो ये रिकवरी आप यहाँ तक जो हमने आपको बताया यहाँ तक के आपको टारगेट देखने को मिलेंगे 138 का टारगेट आपको जल्दी से जल्दी ये स्टॉक दिखा सकता है। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। अगर वहीं पे मैं अगर मंथली चार्ट दिखाऊं तो आपको और समझ में आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं एक ज़बरदस्त शॉर्प रिकवरी हो रही है और कंटिन्यूस स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लगते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है एक नई वीडियो बनाने के लिए। तो अपना और अपने पोर्टफोलियो का रखिएगा ख्याल। कल मिलेंगे एक नए ब्रेकआउट स्टॉक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।